Assalamualaikum dear students, welcome to English class. So dear students, our today's topic is simple present tense. So today we will learn about simple present tense. Let's learn simple present tense. That means telling general truth and general ideas. Dear students, general truth means that the fact. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम किस तरह बात करते हैं, ये क्यों काम कैसे हमें काम आता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब जो चीज़ यहाँ अभी हो रही है, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में हम बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करेंगे. कोई चीज़ जनरल ट्रुथ कैसे बताएंगे, कोई चीज़ हकीकत है अब वो बताएंगे. Actions which are done often, usually, sometimes or every day. Present time में क्या हो रहा है, रोज़ काम कैसे करते हैं, हम कोई काम रोज़ करते हैं, कोई चीज़ रोज़ होती है जो हमारे डेली रूटीन्स होते हैं, जो कभी अगर कोई आदत है हमारी, कभी कभी करते हैं लेकिन आदत है हमारी, अक्सर हम करते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में बताएंगे. कोई काम हम रोज़ करते हैं रूटीन के मुताबिक, वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा. ओके, अब कोई काम अभी हमारे सामने कोई काम कर रहा है तो हम देख रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा. नाउ व्हाट आर द एक्शंस व्हिच आर डन ऑफन, यूजुअली और समटाइम्स और एवरीडे. कौन से काम हैं जो हम यूजुअली मतलब अक्सर करते हैं, समटाइम मतलब कभी कभी, एवरीडे मतलब हर रोज़ करते हैं. हेयर आर आई हैव थ्री वर्क्स दैट आई यूजुअली डू. आई रीड बुक्स, आई लिसन म्यूज़िक and I go for a walk. Okay, these things I do often or usually. Sometimes I talk on the phone. Okay, now what I do every day. Okay, I eat lunch at 2 p.m. every day. Okay, when we make sentences of present simple tense, we will add s, es and ies to the original form of the verb with these pronouns, he, she, it. Okay, here we have some personal pronouns, he, she, it. Okay, we call them third person. Okay, third person or any singular, with any singular or any personal pronoun like he, she, it, we add es, s and ies to the original form of the verb. For example, singular is the boy walks on the road. Walk के साथ हमने s लगा लिया, और she के साथ she catches the ball. Okay, and she carries the bags. Okay, अब पहले ही she के साथ हमने लगाया, अब boy तो सिर्फ एक है, my friend comes at my home. My friend एक ही है तो वो एक है, सिंगुलर है तो उसके साथ हमने ई एस लगाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट रूल दैट विद पर्सनल प्रोनाउन वी ई शी इट एंड वी एड एस एंड ई एस एंड आई ई एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. और आई यू वी एंड दे, इनके साथ हम वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे. वी यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई यू वी दे. जस्ट बिफोर आई से दैट आई ईट लंच, आई ईट लंच, we don't add s-e-s to the verb eat, to the verb eats. We don't say I eats lunch. We don't say that I eats lunch. We say that I eat lunch, you eat lunch, we eat lunch and they eat lunch. Okay dear students, I hope you have understood the rules. With he, she and it or any singular noun, we add es, s or ies. And with I, you, we, they, we use the original form of the verb. Now for telling general truth and facts, we add s to the original form of the verb. For example, the moon shines at night. Shine plus shines. Dear students, जब हम कोई general truth या कोई fact बता रहे हैं, fact क्या है, ये एक हकीकत है जो चेंज नहीं हो सकती. दैट मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात को चमकता है. अब हमने शाइन के साथ एस लगा दिया, क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि पहले तो मून एक सिंगुलर है, उसके बाद हम जनरल ट्रुथ बता रहे हैं. हम प्रेजेंट सिंपल में ये रूल है कि सिंगुलर के साथ
और कोई हकीकत जब हम बताते हैं उसके बारे में, सिंगुलर नाउन के बारे में कोई बात करते हैं, तो हमने वर्ब में ऐसा एस लगाना है। अब पहले आपने वर्ब पढ़ा था ना, अब ये देखिए ये वर्ब है, शाइन एक वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। नाउ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव मूव के साथ हमने एस लगा दिया, मूव्स हो गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के राउंड चक्कर लगाती है, ठीक है, ये मूव्स हो गया, मूव के साथ एस लगा दिया, ये मूव्स हो गया। Dear students, see how we add s. We have added s to the verb walk. Walk के साथ हमने s लगा लिया है, आपको दिख रहा है walk, ठीक है। He walks to school every morning. अब हमने walk plus walks हो गया, because the pronoun is he. He है, pronoun क्या है, उसके साथ हमने walk लगा दिया। Here the person are saying sells fruit and drinks every afternoon. अब ये जो है sell fruit every afternoon, are saying is a boy who sells fruits and drinks every afternoon. That means we are adding the time at the end of the sentence. अब ये कब फ्रूट सेल करता है, अब एवरी आफ्टरनून, आफ्टरनून में फ्रूट सेल करता है, तो जो जो टाइम आ रहा है वो हम सेंटेंस की एंड में रखेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब सेल के साथ हमने एस लगा दिया, बिकॉज आर सेइंग इज अ बॉय एंड इट्स अ सिंगुलर नाउन। डियर स्टूडेंट्स, जब कुछ वर्ब्स वाई के साथ आएंगे तो हमने वाई को कट कर देना है और उसकी जगह आई ई एस लगाना है। क्या लगाना है, IES, we add IES to the original form of the verb when the verb ends with a Y. Here is the example, she studies hard every night so that she can pass her exam. Now, Y के साथ हमने क्या लगा दिया, IES, study became studies. अब study को हमने studies कर दिया, she studies hard every night. Okay dear students, look at the girl, she studies hard every night so that she can pass her exams. अब जो verbs sh और ch और o के साथ end हो रहे हैं उनके साथ हम es लगाएंगे. Add es to the original form of the verb when the verb ends with s, sh, ch or o. Here is the example, Tommy watches television every night. Watches. He washes his car every week. Washes. अब wash तो एक verb था, पे हमने es ऐड कर दिया, पहले हम सिर्फ s कर दे रहे, study के साथ हमने y को कट कर दिया, is लगा दिया, wash, अब sh या ch के साथ जो word end हो रहा है उसमें उसके साथ हम es लगा रहे हैं। Dear students, ये हम verb के साथ s और es इस तरह इस rule के साथ लगाते हैं। Okay dear students, now the verb is ending with double s, cross. We are adding es, crosses. Jessica crosses that road every morning. Jessica is a girl and she crosses the road every morning. We have added es to the word cross. And remember, with the personal pronouns I, you, we, they, the verb remain in the original form. We don't change the verb with I, we, you, they. I, we, you, they के साथ हम verb को change नहीं करेंगे, verb same ही रहेगा। आपको पता है ना verb क्या है, doings and actions are verb, जो हम काम करते हैं वो verb है। अब I'm talking, I talk to you. अब when I use I put the simple form of the verb, I talk. Okay dear students, I talk to you. Now with plural nouns, अब plural nouns के साथ भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि उनका जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, plural nouns का भी वर्ब चेंज नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, वर्ब चेंज करेंगे, ई एस और एस लगाएंगे सिर्फ सिंगुलर नाउन और ही शी इट के साथ, आई वी यू दे और plural noun के साथ हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगा। दे plural है, दे मीन्स मोर वन और मोर देन वन, और टू और मोर देन वन।
अब ज़्यादा लोग होंगे तो वो प्लूरल होगा, टू बॉयज़ वॉक टू द स्कूल. ओके डियर स्टूडेंट्स, दे ईट डिनर एट 6 PM एवरी इवनिंग. ईट 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 विल रिमेन ईट. Here are some sentences of present simple tense. His wife sets the table. I like fruits. We love flying kites. My son makes his bed. So dear students, I hope you have understood the present simple tense. Now your homework is write about your daily routine. अब आपको होमवर्क में ये लिखना है कि आप डेली रूटीन में क्या काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ईट डिनर एट 10 PM. पहले आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई टेक शावर एंड आई ऑफर प्रेयर एंड आई ईट ब्रेकफास्ट. दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू विल राइट ऑन योर नोटबुक. राइट सम सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर होमवर्क. डू योर होमवर्क वेरी केयरफुली. आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.